हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लीफ, फिलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस की, और इन्फ्लोरेसेंस जितना एनसीईआरटी में लिखा है बेटा उतना इनफ नहीं है अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत सी चीज़ें मैं आज आपको नई बताने वाला हूँ, तो इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग इन्फ्लोरेसेंस की। तो जैसे कि हम लोग फ्लावर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं एक लाइन फ्लावर के बारे में। इट इज़ मॉडिफाइड शूट। जो फ्लावर है, हम मैंने आपको बताया भी है, वो क्या होता है, वो मॉडिफाइड शूट होता है ना। अब देखो बेटा, इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस, जो फ्लावर का अरेंजमेंट है एक्सिस पे, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और जो ये एक्सिस है ना, इसका नाम होता है पेडंकल, है ना। दो टर्म है जो आपस में मिलते जुलते हैं, एक है पेडंकल और एक है पेडिसल। बायोलॉजी में टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म क्लियर होना चाहिए तो बायोलॉजी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। खैर, अब इन्फ्लोरेसेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे जब आप ज़्यादा हायर स्टडीज़ में जाएंगे, जब आप बीएससी वगैरह करेंगे, या पहले सीपीएमटी के ज़माने में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के तीन पार्ट पढ़ते थे। स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी एक हेडिंग आती थी, लेकिन अभी वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फ्लोरेसेंस को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेसिमोज और साइमोज। आइए देखते हैं कि करके। पहला पॉइंट है रेसिमोस का, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो एंड फ्लावर ग्रो लेटरली। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आएगा और जिंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि जो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस, और उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। तो ये क्या है भैया, ये है पेडंकल, ठीक है ना। इस एक्सिस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं, और इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग रेसिमोस पढ़ रहे हैं। तो मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो एंड फ्लावर ग्रो लेटरली। अब देखो, जो ये मेन एक्सिस है यानी कि जो पेडंकल है, रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में इसकी ग्रोथ कॉन्टिन्यू होती रहती है, ठीक है ना। इसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, और जो फ्लावर है वो लेटरली क्या करते हैं, निकलते रहते हैं। फ्लावर जो अराइज होते हैं वो लेटरली अराइज होते हैं, यानी कि साइड से निकलते हैं इस मेन एक्सिस के, ठीक। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज एक्रोपिटल। अब मैंने आपको बताया था कि चाहे वो फ्लावर का अरेंजमेंट हो, चाहे लीव्स का अरेंजमेंट हो, चाहे ब्रांचेस का अरेंजमेंट हो, जहाँ पे भी हमें एक्रोपिटल वर्ड दिख गया, तुरंत हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पे लिख लेंगे ऑब। जैसे ही आपको एक्रोपिटल दिखा, आप वहाँ पे लिखो ऑब। ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर होता है एक्रोपिटल, ठीक है ना। ओ फॉर क्या होता है, ओल्ड, और बी फॉर क्या होता है, बेस। तो हमेशा एक्रोपिटल अरेंजमेंट में, हमेशा एक्रोपिटल अरेंजमेंट में जो ओल्ड लीफ होगी, जो ओल्ड ब्रांच होगी, या फिर ओल्ड फ्लावर होगा, वो हमेशा कहाँ होगा, बेस पे होगा। और आप जानते हैं कि जो चीज़ ओल्ड होगी वो साइज में क्या होगी, बड़ी। अरे एक बात बताओ कि इंसान मेन बड़ा, एडल्ट इंसान बड़ा होता है या बच्चा बड़ा होता है, तो जो पैदा हुआ बच्चा वो छोटा सा होगा ना, यंग वंस कैसे होते हैं, छोटे। लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक्रोपिटल ऑर्डर में जो ओल्ड है वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, बेस पर रहेगा, और जो यंग है वो कहाँ पर रहेगा, टॉप पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अरेंजमेंट देख लो, तो ये पेडंकल है, ये मेन एक्सिस है। शर्त ये है कि जो फ्लावर ग्रो करेगा वो लेटरली ग्रो करेगा, यानी कि साइड से ग्रो करेगा। तो देखो यहाँ पे फ्लावर की ग्रोथ हो रही है। अब जो सबसे नीचे फ्लावर है, बेस पे है, यानी कि ओल्ड फ्लावर है, वो कैसा होगा, बड़ा होगा। ओल्ड फ्लावर हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो ये क्या है भाई, ये है फ्लावर। और जो फ्लावर की स्टॉक होती है, जिससे इस पेडंकल से फ्लावर जुड़ा है, उसको हम बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं भाई, पेडिसिल। टर्म बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए टर्म का मतलब क्या होता है। तो पेडिसिल का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो स्टॉक ऑफ यानी कि फ्लावर का डंठल को हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे ओल्ड फ्लावर कहाँ है, बेस में, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा,
उससे छोटा और सबसे छोटा। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पे वर्ड बेटा यूज हुआ है कंटिन्यू ग्रो होगा, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रोथ करती जाती है, कंटिन्यू फ्लावर निकलते जाते हैं, तो जो फ्लावर हैं वो नॉन काउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे फ्लावर होते हैं, पूरा झुआ होता है फ्लावर का, तो वहां पे क्या होता है, रेसिमोस में जो फ्लावर हैं वो काउंटेबल नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, मेन एक्सिस कैसी है भैया, मोनोपोडियल है। अब मोनोपोडियल और सिंपोडियल भी मैं आपको बता चुका हूं, मोनोपोडियल का मतलब होता है कि वहां पे कोई भी ब्रांच ना हो। अब आप देखो ये मेन एक्सिस देख रहे हो ना नीले कलर से, पेडंकल देख रहे हो, तो इस पेडंकल पे की कोई ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं है, ये सीधे सीधे है, इसको हम बोलते हैं मोनोपोडियल। अरे यार पेडंकल की ब्रांच तो तब मानी जाती ना कि ये पेडंकल इस तरीके से ब्रांच होता, ठीक है ना। अगर ये एक सीधे सीधे लाइन होती और ये ब्रांच होती तब हम ये बोलते कि इसमें पेडंकल में ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे पेडंकल में कोई ब्रांच नहीं है तो उस पेडंकल को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोडियल, ठीक है ना। तो पेडंकल कैसी होती है, मोनोपोडियल। अब देखो ट्रिक की बात सुनो, जब भी कभी तुमसे रेसिमोस के बारे में पूछा जाए, जब भी तुम्हें कभी रेसिमोस के बारे में पूछा जाए तो तुम वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिया लिख देना, ठीक है ना, लड़की का नाम है और मजा आ जाएगा, तो रिया लिख देना वहां पे। तो रिया का मतलब क्या होता है, R फॉर होता है रेसिमोस, R फॉर होता है रेसिमोस, R I फॉर क्या होता है, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, I फॉर इनडेफिनिट और A फॉर एक्रोपिटल, एक्रोपिटल, यानी कि रेसिमोस में जो ग्रोथ होती है मेन एक्सिस की वो कैसी होती है, कंटिन्यू होती रहती है और उसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं, उन फ्लावर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए टर्म यहाँ पे यूज़ किया है इनडेफिनिट। और कैसा अरेंजमेंट होता है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, और एक्रोपिटल अरेंजमेंट की ट्रिक अभी अभी बताई है कि हमेशा एक्रोपिटल अरेंजमेंट में जो ओल्ड पार्ट होगा, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो ब्रांचेज हो, चाहे वो फ्लावर हो, वो हमेशा कहाँ पर रहेंगे, बेस पर रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ रेसिमोस का काम खत्म हो गया, आइए देखते हैं साइमोस को। इस साइमोस को यहां देखने से पहले आप एक बार इस पिक्चर में देखिए, आप इस पिक्चर में देखिए कि आपको रेसिमोस आप देख रहे हो कि यहां पे जो फ्लावर है वो फ्लावर कैसा है, नॉन काउंटेबल है, उन फ्लावर को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे फ्लावर हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं, और जो ये नॉन काउंटेबल फ्लावर है इसीलिए यहां पे टर्म यूज किया है इनडेफिनिट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साइमोस को। तो आइए साइमोस की बात कर लेते हैं। तो साइमोस में हमें यही तीन चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या है, जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो लिमिटेड है, तो जो मेन एक्सिस ग्रोथ कैसी है भाई, लिमिटेड है। जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है बच्चों वो कैसी है, लिमिटेड ग्रोथ है ना। दूसरा देखें, अब हमने देखा यहां पे अरेंजमेंट कैसा है, एक्रोपिटल, तो यहां पे अरेंजमेंट कैसा होगा, बेसिपिटल, ठीक है ना, यहां पे अरेंजमेंट कैसा होता है, बेसिपिटल। और तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट यहां पे कह रहा है कि जो मेन एक्सिस है वो मोनोपोडियल है, तो यहां पे जो मेन एक्सिस है वो कैसी होगी, सिंपोडियल होगी। जो मेन एक्सिस है वो कैसी होगी भाई, सिंपोडियल। अब देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे, चलो मेन एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो जो मेन एक्सिस है, जैसे ये एक फ्लावर है और उसकी ये मेन एक्सिस है, इसको हमने क्या बोला, पेडंकल बोला, ठीक है ना, अंकल बहुत याद आ रहे हैं आज, तो ये पेडंकल है। अब देखो बच्चों, कहीं पे भी अगर हमें ग्रोथ को रोकना है, कहीं पे भी ग्रोथ को रोकना है, ग्रोथ जो अपवर्ड जा रही है वहां पे ग्रोथ जो है टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि जो टिप है, जो एपिकल रीजन है, वहां पे कुछ अराइज हो जाए, वहां पे कुछ बन जाए, कुछ फॉर्म हो जाए। तो देखो यहां साइमोस में क्या होता है, इस एपिकल रीजन में फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, साइमोस में एपिकल रीजन में क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन। और जहां पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया एपिकल रीजन में, वहीं पे ये मेन एक्सिस क्या करेगी, ग्रोथ करना बंद कर देगी,
ठीक है ना। तो मेन एक्सिस में कैसे होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। दूसरी बात करते हैं, जो यहां पे अरेंजमेंट है, जो फ्लावर निकलने का अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल होता है, और जैसे ही तुमको कहीं पे बेसिपिटल सुनाई दे जाए तो वहां पे तुम लिखना बॉट, ठीक है ना। एक्रोपिटल में हम लोग क्या कह रहे थे, वहां पे लिखना ऑब, और बेसिपिटल में क्या लिखना बॉट। बी फॉर होता है बेसिपिटल, बी फॉर क्या है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं शायद, बॉट। तो बी फॉर क्या है, बेसिपिटल, बेसिपिटल। O फॉर क्या है, ओल्ड, और T फॉर क्या है, टॉप। यानी कि बेसिपिटल ऑर्डर में ओल्डेस्ट हमेशा कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, और यंगेस्ट हमेशा कहाँ पे होगा, बेस में होगा, यानी कि इसका रेसिमोस का या एक्रोपिटल ऑर्डर का जस्ट उल्टा। तो देखो यहाँ पे तीसरी चीज क्या है कि ये सिम्पोडियल है, ठीक है ना। अभी मैंने इसमें कहा था कि मेन एक्सिस में अगर ब्रांच ना हो तो उसको हम मोनोपोडियल बोलते हैं, लेकिन अगर मेन एक्सिस में ब्रांच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोडियल बोलते हैं। तो जो ये मेन एक्सिस है इससे देखो बच्चों ये ब्रांच निकलती है, ठीक। तो इस मेन एक्सिस से ये ब्रांच निकली, और ब्रांच निकलने के बाद में यहाँ पे फिर से टिप पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये फ्लावर क्या था, इससे छोटा। फिर इससे ब्रांच निकली और इसकी टिप पे भी फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फ्लावर क्या था, इससे छोटा। इसकी ब्रांच निकली, ठीक है ना, इसके टिप पे भी फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फ्लावर क्या था, उससे छोटा। तो यहाँ पे जो फ्लावर निकल रहा है वो किस ऑर्डर में निकल रहा है भैया, बेसिपिटल ऑर्डर में, और जो मेन एक्सिस है वो सिम्पोडियल है, यानी कि वहाँ पे ब्रांचिंग है, ठीक है ना। और मेन एक्सिस में क्या है, ग्रोथ लिमिटेड। अब जब भी तुम्हें साइमोस लिखा हुआ दिखाई दे तब तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे बीसीडी, ठीक है ना। साइमोस जहां पे लिखा हुआ दिखाई दे वहां लिखोगे बीसीडी, जैसे रेसिमोस में आपने लिखा था रिया। तो बी फॉर क्या हो गया, बी फॉर हो गया बेसिपिटल, बेसिपिटल। सी फॉर क्या हो गया, साइमोस, और डी फॉर क्या हो गया, डेफिनेट। तो देखो जब मेन एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड है तो फ्लावर की, फ्लावर भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, यानी कि फ्लावर को आप काउंट करके बता सकते हो कि कितने फ्लावर हैं, यानी कि फ्लावर काउंटेबल होते हैं साइमोस में। तो यहाँ पे क्या है, बीसीडी, बेसिपिटल, साइमोस, और फ्लावर कैसे हैं, काउंटेबल हैं, यानी कि ग्रोथ कैसी है, डेफिनेट है। आप कुछ पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि साइमोस में आप आराम से गिन के बता सकते हो कि कितने फ्लावर हैं, रेसिमोस की तरह ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये तो वो बात रही जो आपकी एनसीईआरटी में है, इतना सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में है और इतना सब कुछ आपके कॉम्पिटिटर ने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या एफर्ट डाल रहे हैं आप कि आपको मिल सके दिल्ली का कॉलेज, तो उस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोस। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोस। तो आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोस के, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, सब कुछ समझ में आएगा। पहला तो हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोस, ठीक, टाइप्स ऑफ रेसिमोस। अब देखो टाइप्स ऑफ रेसिमोस में 10 टाइप हैं, कितने टाइप हैं, 10 टाइप्स हैं। डिस्कस करते हैं कि बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है, 10 टाइप हैं। तो देखो पहला टाइप, ठीक है ना। अब देखो जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं रेसीम, ठीक। और जो ये रेसीम है ये आइडियल रेसिमोस होता है, ठीक, यानी कि रेसीम में वो सब कुछ है जो रेसिमोस की, जो मैंने, जो रेसीम में सब कुछ है जो मैंने रेसिमोस की डेफिनेशन बताते समय आपको बताया था। जैसे रेसीम की अगर हम बात करें तो देखो ये है मेन एक्सिस, ये है मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं, ठीक है ना, पेडंकल बोलते हैं। यार एक बात इसमें और तुम नोट करते हुए जाना जब मैं टाइप बता रहा हूँ कि देखो मेन एक्सिस अच्छी खासी बड़ी है, ठीक, ये बाद में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखो ये मेन एक्सिस है, ये बड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। और जो फ्लावर आते हैं ना इसमें, जो फ्लावर है वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। कैसा है भाई फ्लावर, बाइसेक्सुअल है, पहली चीज। अब देखो यहां पे क्या हुआ,
मैंने आपको बताया था एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज है, क्या बताया था, एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज है। तो एक्रोपिटल ऑर्डर में जो अरेंज है, तो देखो ये है पेडिसिल, पेडिसिल यानी कि स्टॉक ऑफ फ्लावर, और ऐसा फ्लावर बच्चों, ऐसा फ्लावर जिसके पास पेडिसिल होती है, जिसके पास स्टॉक होता है, उसको बोलते हैं पेडिसिलेट, पेडिसिलेट फ्लावर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर। तो देखो यहाँ पे ये पेडिसिलेट फ्लावर है, उसके बाद में इसके ऊपर उससे छोटा, इसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, और उसके ऊपर उससे छोटा। यही जो हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं रेसिमोस की, बेसिकली बस बाइसेक्सुअल फ्लावर को चेंज कर दो, क्योंकि वहां पे हमने फ्लावर आइडेंटिफाई नहीं किया था बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। तो ये सब कुछ होता है रेसिम में, ठीक है ना, ये सब कुछ होता है रेसिम में। और इसका एग्जाम्पल है, रेसिप का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, मस्टर्ड एंड रेडिश, ठीक। तो जो रेसिम का एग्जाम्पल है बच्चों, वो क्या है, मस्टर्ड एंड रेडिश, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। पहला हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा है पेनिसिल, दूसरा है पेनिसिल, और पेनिसिल का मतलब क्या होता है, इसको हम ब्रांच रेसिम भी बोलते हैं, इस पेनिसिल का दूसरा नाम भी होता है, और ये है ब्रांच्ड रेसिम। इसका मतलब ये हुआ यार कि ये रेसिम की तरह ही होगा, यानी कि अगर हमने एक समझ में आ गया तो इस बात की गारंटी हो गई कि ये तो 100% समझ में आने वाला है। तो देखो मजे से पढ़ते हैं इसे, ये मेन एक्सिस है, ये क्या है भाई, मेन एक्सिस है, और देखो ये क्या है, ये स्टॉक्स हैं, ठीक। अब हम कह रहे हैं ये ब्रांच रेसिम है, इसका मतलब ये हुआ कि इन स्टॉक से भी क्या निकलेंगी, स्टॉक निकलेंगी, यानी कि पेडिसिल निकलेंगी, और उसमें एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होंगे फ्लावर, ठीक। मेन एक्सिस, सब एक्सिस, और उसमें भी क्या है, पेडिसिल है, जिसमें फ्लावर अरेंज हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। इसको हम भैया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेनिसिल, यानी कि ब्रांच रेसिम, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसिल यानी कि ब्रांच रेसिम। और इसका एग्जांपल होता है गुलमोहर, एग्जांपल क्या है, गुलमोहर, ठीक, गुलमोहर यहाँ पे एग्जांपल है। तो हमने दो पढ़ लिए हैं, रेसिम एंड ब्रांच रेसिम। अब देखो बेटा एक एक करके देखो, जैसे आपको ये रेसिम में दिख रहा होगा, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि रेसिम में बिल्कुल वही ऑर्डर है जो हमें आइडेंटिकली हम आइडियली रेसिमोज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये है रेसिम, और अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पिक्चर में वो है पेनिसिल यानी कि ब्रांच रेसिम। तो आप दोनों में फर्क पता लग रहा होगा आपको, तो यही इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आगे की बात करते हैं, तो अभी तक हम लोग दो केस देख चुके हैं, रेसिम और पेनिसिल। तीसरे की हम लोग बात करते हैं, तीसरे टाइप की बात करते हैं, और वो है स्पाइक, ठीक, बहुत सरल है। देखो यहाँ पे कुछ बातें जानने वाली हैं, जैसे यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्लावर है ना भाई, जो फ्लावर है वो कैसा है, सेसाइल है, फ्लावर कैसा है, सेसाइल। देखो बच्चों, जिस फ्लावर में पेडिसिल होती है, जिस फ्लावर में स्टॉक होती है, उसको हम बोलते हैं पेडिसिलेट, और जिसमें स्टॉक नहीं होती है उसको हम बोलते हैं सेसाइल। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं होगी फ्लावर में, अभी आप देखोगे भी, तो उसके लिए इसको हमने क्या बोला, सेसाइल, ठीक। देखते हैं, जैसे ये इसका क्या है, पेडंकल है, ये है पेडंकल, पेडंकल, और पेडंकल के साथ में यहाँ पे अब कोई भी पेडिसिल नहीं है, और फ्लावर एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज है, तो फ्लावर इस तरह से एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होंगे विदाउट स्टॉक, इसको हम बोलते हैं स्पाइक। और एग्जांपल है एकिरेंथस, ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या होगा, एकिरेंथस,
ठीक, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो पेडिसल नहीं है, जो फ्लावर है वो सीधे सीधे पेडंकल से इसी तरह से अटैच है, यानी कि फ्लावर सेसाइल है, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कैटकिन, और ये फोर्थ है, ठीक है ना, यानी कि कैटकिन। और इस कैटकिन का नाम होता है पेंडुलस स्पाइक, पेंडुलस स्पाइक, कैटकिन का नाम होता है पेंडुलस स्पाइक। अब ऐसा क्यों है वो भी देख लो। तो देखो यहां पे हमने स्टेम बनाई, ये स्टेम है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से दिखाना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा, ये स्टेम है। अब ये जो स्टेम है उसके बाद में ये क्या है, इसका पेडंकल, ये क्या है पेडंकल, ये स्टेम थी और ये क्या है भाई, ये है पेडंकल, ठीक। अब इस पेडंकल पे यहां पे देखो आप, पेडंकल यहां पे क्या है, डाउनवर्ड है, यहां पे अपवर्ड है। इस पेडंकल पे इस तरह से अरेंजमेंट है एक्रोपिटल ऑर्डर में, इस तरह से अरेंजमेंट है एक्रोपिटल ऑर्डर में। तो यहां पे भी फ्लावर कैसे होते हैं, सेसाइल फ्लावर होते हैं, इस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कैटकिन में क्या होता है, कैटकिन स्पाइक बिल्कुल एकदम सेम है, बस यहाँ पे अंतर ये है कि ये अपवर्ड है और ये हैंग डाउन है, यानी कि पेंडल की तरह क्या हुआ है, हैंग है, और ये है क्या पेंडुलस स्पाइक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटकिन बोलते हैं। एग्जाम्पल है मलबरी, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, मलबरी, ठीक है ना, होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पाइकलेट। तो फिफ्थ वन क्या है हमारा, स्पाइकलेट, ठीक, बहुत आराम से समझिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है तो आप समझिए इसको और आपको प्रॉब्लम ना हो, ये देखिए। तो देखो स्पाइकलेट में क्या होता है, तो स्पाइकलेट में जैसे ये पेडंकल है, ये मेनली क्या है, ये पेडंकल है, ये पेडंकल है, ठीक भाई। अब जो ये इसका पेडंकल है, अब इसके पास में ग्लूम होते हैं, अब ग्लूम बोलते हैं ब्रैक्ट को, ग्लूम किसको बोलते हैं, ब्रैक्ट को बोलते हैं। तो ये इस तरीके से दो लोअर ब्रैक्ट होती हैं, यानी कि लोअर ग्लूम होते हैं। तो देखो ये है लोअर ग्लूम और ये है अपर ग्लूम, अपर ग्लूम यानी कि ब्रैक्ट। अब जो ये लोअर और अपर ग्लूम होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये क्या है स्टेराइल है, यानी कि इसमें फर्टिलिटी नहीं है, ये कैसे हैं स्टेराइल। जो लोअर ग्लूम है वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद में अपर ग्लूम होते हैं, ये अपर ग्लूम है और ये फर्टाइल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेमा। तो ये है अपर ग्लूम, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं, और ये क्या होता है, फर्टाइल होता है, ठीक, इतनी बात समझ गए। तो ये क्या है, लोअर ग्लूम्स हैं, इनको हम, ये क्या है स्टेराइल हैं, और ये अपर ग्लूम्स हैं, ये क्या है, इनको बोलते हैं लेमा, और जो कि क्या है फर्टाइल। अब इनके पास जब ये फर्टाइल हैं तो इनके पास में आएगा फ्लावर। अब देखो इसके एक्सिस से, इसके एक्सल से, एक्सल क्या होता है, यही वाला जो ना, जो ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एक्सल। तो इसके एक्सल से क्या निकलता है, इसके एक्सल से निकलता है फ्लावर, और ये फ्लावर की क्या है भाई, ये है पेडिसल, ठीक है ना, ये फ्लावर की क्या है पेडिसल। अब इतनी बात समझे आप। अब देखो इसमें क्या है, इस पेडिसल में इस तरीके से ये होता है लॉडिक्यूल, ये क्या होता है लॉडिक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं लॉडिक्यूल बोलते हैं। और इस पेडिसल में ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब चूंकि जो स्पाइकलेट है इसमें फ्लावर कैसा है बाईसेक्सुअल, फ्लावर कैसा है भाई
बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होंगे, ठीक है ना। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो इसकी जो स्टिग्मा है ये क्या है, स्टिग्मा जो है वो स्टिग्मा कैसी है, फैदरी। हम लोग वैसे भी जानते हैं कि वीट में स्टिग्मा कैसी होती है, फैदरी होती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये तो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो स्टैमेन है वो भी प्रेजेंट होते हैं, और जो ये स्टैमेंस का नंबर होता है वो नंबर फिक्स होता है, दैट इज 3। तो यहाँ है स्टैमेन, और स्टैमेन का नंबर कितना है, 3, ये फिक्स है। स्टैमेन का नंबर कितना है, 3, ये फिक्स है। तो देखो अभी तक हमें क्या मिला, अभी तक हमें लोअर ग्लूम मिला, जिसको हमने क्या बोला, जो क्या था, स्टेराइल था, यानी कि लोअर ब्रैक्ट थी। उसके बाद में जो अपर ग्लूम था जिसको हमने लेमा बोला, वो कैसे थे, फर्टाइल। अब वहाँ से क्या निकला, पेडिसल यानी कि फ्लावर निकलने वाला है, और ये क्या है, लॉडिक्यूल। अब इसका काम क्या होता है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें स्टेमिन की नंबर कितना है, 3। अब देखो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिया, ठीक है ना। एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से यहां पे भी एक बना लेते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। और ये भी क्या है, ये भी है पेलिया। अब देखो यार, ये पेलिया और ये लेमा आपस में मिलके इस फ्लावर को कवर्ड ना कर लें, इसीलिए जो ये लोडिक्यूल है इन दोनों में गैप बनाने का काम करता है, इन दोनों में गैप बनाने का काम करता है। हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लोडिक्यूल है, जो यहाँ पे लोडिक्यूल है वो वर्क कर रहा है सेपल की तरह, ठीक है ना। ये सेपल भी बहुत जगह लिखा होता है, इसको हम सेपल भी बोल सकते हैं। तो आप ये समझे, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पाइकलेट। अब ये स्पाइकलेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एग्जांपल क्या होता है, तो ग्रैमिनी फैमिली के जो भी मेंबर हैं उसमें ये स्पाइकलेट होता है, जैसे वीट, राइस एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपने वीट का बाली देखी हो, ठीक है ना, गेहूं की बाली देखी हो, तो आपको ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है उस पर, ऐसा अरेंजमेंट गेहूं की बाली में देखने को मिलता है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना, ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है गेहूं की बाली से। तो ये क्या है, ये होते हैं स्पाइकलेट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे, ये सब क्या होते हैं, स्पाइकलेट होते हैं। तो ये भी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एक टाइप है स्पाइकलेट, जिसका एग्जांपल है वीट एंड राइस। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस पिक्चर में भी आप देखिए, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा है लोअर ग्लूम क्या है, अपर ग्लूम क्या है, और किस तरीके से देखिए यहाँ पे, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो मेल स्टैमेन है कितने हैं, 3 है नंबर में, स्टिग्मा फैदरी है, और लेमा वगैरह सब आपको बहुत अच्छे से इस पिक्चर में क्लियर हो रहा है। तो हमने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के 5 टाइप पढ़ लिए हैं, रेसिम, पेनिसिल, स्पाइक, कैटकिन एंड स्पाइकलेट। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।